बात पूजा ने नरेन को बताई ही नहीं है तो समझना तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। ये भेद वो उनसे छुपाना चाहती है और बस इतना कह रही है कि आप मुझ पर बस भरोसा कीजिए। लेकिन उनका कहना भी सही है, नरेन का कहना है कि पति पत्नी के बीच में कोई राज कोई भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भेद इतना बड़ा है और दादाजी को वचन भी दिया हुआ है तो पूजा ये भेद नहीं खोल पा रही है नरेन के सामने, और नरेन के लिए भी जेन्युइन है, वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं पूजा पे। क्योंकि अब नरेन और पूजा हस्बैंड वाइफ तो है ही, और बस वो यही चाह रहे हैं कि पूजा उन्हें राज बता दे, और पूजा नहीं बता रही है, बस वो इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मतलब अब तुम्हारा भेद जो है वो हमारे प्यार से भी ऊपर है। और पूजा का भी कहना है कि आपका आपने भी तो अपने भरोसे को इस भेद से ऊपर रखा है, तो आप मुझ पर भरोसा कर लीजिए, कुछ तो रीज़न होगा। तो यही लड़ाई है। हाँ, थैंक यू सो मच। जो हमारे क्रिएटिव है राहुल मोदी, वो अब पूजा पहली बार घर आ रही थी तो ही वांटेड कि कुछ अलग डिफरेंट हो, एंड इट रियली केम आउट, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लगा लेकिन दिस सो डिफरेंट एंड नाइस नो, बिकॉज आजकल ईयरिंग्स भी आते हैं फेदर्स वाले, तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि किसी ड्रेस में भी ये अच्छे लग सकते हैं। तो ये अभी साड़ी में फेदर्स लगाए हैं बॉर्डर पे, इट्स लुकिंग नाइस। आप पूजा इससे ज़्यादा क्या कह सकती है कि आप बस मुझ पे भरोसा कीजिए। अब नरेन के ऊपर हैं कि वो पूजा पे भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी पूजा ने उनके साथ एक छल किया था, हालांकि उन्हीं के अच्छे के लिए किया था, लेकिन बार बार किसी पे भी भरोसा करना भी इतना ईजी नहीं हो सकता। थैंक यू।